यूपी सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आती है। हाथरस में दलित किशोरी के साथ हुई गैंगरेप की घटना झकझोर के रख देने वाली है। इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में कांग्रेस ने इस घटना का जोरदार प्रदर्शन किया। ये पूरा प्रदर्शन कांग्रेस महिला अध्यक्ष ममता चौधरी और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुकेश चौहान के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ममता चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और सीएम झूठे दावे और वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। दलित बेटी के साथ जो हुई है उसकी अक्सर से खिलवाड़ हुआ है, उसकी आज मौत हो गई है। योगी सरकार का विरोध करते हैं, कानून व्यवस्था अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, अपराधियों को संरक्षण दिया जाए। लेकिन ये यहाँ पे तानाशाही सरकार लोगों की आवाज को बंद कर रही है। पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी पुलिस के दम पे चल रही है। अपराधियों को तो ये रोक नहीं सकती, अपराधियों को खुले आप बलात्कार देती है। आज यही कारण है कि हत्या और बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। ये बलात्कारियों को नहीं रोकेगी, ये देश की बेटियों को और उनके आगे रोकेगी। उनके खिलाफ जो आवाज उठती है, उनके सपोर्ट में आवाज उठती है, उसको रोकने का काम कर रही है ये सरकार। ये सरकार तानाशाही सरकार लोगों को 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।